हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनाली सोमा मुखर्जी। आज आप सभी को मैं इस बहुत ही खास अवसर पर लेके आई हूँ चर्च में। दिस इज़ द सीक्रेट हार्ट कैथेड्रल व्हिच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंशिएंट चर्च। यू आर फाइंडिंग मी स्टैंडिंग राइट नाउ इन द चर्च। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द एंशिएंट चर्चेस ऑफ द सिटी व्हिच इज़ लोकेटेड जस्ट एट द हटन रोड मोड। इफ़ आई एम नॉट बीइंग वेरी लाउड, थोड़ा सा अपना वो वॉल्यूम का जो है बटन थोड़ा दबा दीजिए। मैं हमेशा सुनती हूँ मैम, आप थोड़ा ऊँचा बोलिए। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, मेरा आवाज़ इससे ऊँचा नहीं होता है, दिस इज़ अ प्रॉब्लम। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को खूब सारा सपोर्ट तो आप देते आए हैं, उम्मीद है आगे भी देते रहेंगे। आज मैं खड़ी हूँ जहाँ पे, वो है चर्च में, सेक्रेड हार्ट चर्च। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल चर्च विच इज़ लोकेटेड एट हटन रोड मोड। इफ़ यू एवर विजिट दिस प्लेस आसनसोल, आप हटन रोड सीधा बस पकड़ के, मतलब अगर आप रानीगंज साइड या फिर दुर्गापुर साइड से आ रहे होंगे तो भी आपका बस स्टैंड पे ही आपको उतरना है। और अगर आप यू आर टूअर्स द झारखंड साइड या फिर कुर्ती बराकर नियामतपुर कहीं से भी आप आ रहे हैं तो आपको उतरना है बस स्टैंड पे। और एग्जैक्टली बस स्टैंड से बस थोड़ा सा दो कदम चलेंगे तो आपको मिल जाएगा हटन रोड मोड। ठीक मोड पे ही लोकेटेड है सेक्रेड हार्ट चर्च विच वॉज इस्टेब्लिश लॉन्ग टाइम अगो, 1927 आई सपोज मैंने देखा है अभी। तो बहुत पुराना चर्च है ये एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, मैं थोड़ा सा व्यू घुमा देती हूँ, फिर मैं आगे आपको इंटीरियर ऑफ द चर्च भी घुमाने के लिए चली जाऊँगी, विच इज़ एग्जैक्टली द इनसाइड पोर्शन ऑफ द चर्च। तो अभी हम लोग चर्च के अंदर की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज़ द रोड विच विल टेक अस टू द चर्च। चर्च के अंदर जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी, चर्च इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप विच इज़ रन बाय अ पास्टर और अ प्रीस्ट, बट अ कैथेड्रल विच इज़ एक्चुअली going to be a principal church and it is run by a bishop. Right now we are going to enter the cathedral which is a Sacred Heart Cathedral. ये आपका entrance door, main entrance door सामने की तरफ है जो कि बंद है। This is the side entrance door जो मेरे लिए खुला हुआ था उस दिन। Fortunately I have got this chance to enter the church क्योंकि COVID की वजह से strict regulations के लिए ही इसे बंद रखा गया है। तो अभी हम लोग चर्च के अंदर, आप देख रहे होंगे कुछ स्टैचूज हैं। ये स्टैचूज जो है वो डिफरेंट जीसस क्राइस्ट एंड दिस इज़ द पेंटिंग, दिस इज़ नॉट द स्टैचू। अलग अलग स्टैचूज आपको दिखाई देंगे। दीज स्टैचूज आर एक्चुअली द डिपिक्टिंग द डिफरेंट व्हाट टू से द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जैसे कि ये है क्रूसिफिक्शन, the incident of crucifixion, and these are the books, New Testament Bible, and these are going to give us a lot of information. मुझे खास कुछ क्रिश्चियनिटी के बारे में तो पता नहीं है, but because I belong to a Christian school, तो थोड़ा बहुत जानकारी है। ये कैथलिक चर्च है जहाँ पे माना जाता है कैथलिक्स जो है वो the group of Christians, those who worship Jesus Christ, and Methodist जो है ये Methodist church नहीं है, ये Catholic church है। Methodist वो होते हैं जो John Wesley को worship करते हैं। This so in a Catholic is very, church, very this is the place. The day I came first, it was on 25th of December, but due to COVID protocols, church का gate भी बंद था, because a lot of visitors are there. ये open to all दिन रहता है, 25th December and 31st December and 1st January को, but due to COVID, strict maintenance of rules की वजह से church का gate भी बंद था, तो मैं अंदर आ नहीं सकी, but today I'm welcoming you. You can see at the back side of me the whole of the setting. I'm going to take you on a ride. So before I move on to this other places, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ चर्च का इंटीरियर, आप सभी को मैं बोल देती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो लेट्स बी विद अस। एडवांस में ही बोल रही हूँ हैप्पी न्यू ईयर। आज 25 दिसंबर बिल्कुल नहीं है क्योंकि उस दिन मैं आके घूम के चली गई थी, तो मैंने एक और ट्राई लिया है एंड गॉड हैज़ गिवन मी दिस चांस टू विजिट द चर्च। दिस इज़ वन ऑफ द एंशिएंट चर्चेज विच इज़ लोकेटेड एट द हार्ट ऑफ द सिटी, दैट इज़ आसनसोल सिटी। यू विल फाइंड एग्जैक्टली एट हटन रोड। इफ़ यू एवर विजिट दिस चर्च, आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट एंड द ब्यूटीफुल चर्चेज यू विल फाइंड ओवर हियर। सो वेलकम टू दिस चर्च।
and welcome to Asansol City also, which is at the heart of the city I'm right now standing at. That this is the Sacred Heart Church, which is at Hutton Road Moor. तो आइए आपको बताते हैं चर्च के अंदर का थोड़ा बहुत व्यू तो आपको दिख ही रहा होगा। ये है, अलग अलग बेंचेस हैं, यहाँ पे सभी आके अपना प्रेयर करते हैं। ये एक मॉडल है, मतलब द बर्थ ऑफ जीसस को डिपिक्ट करता हुआ द होल इंसिडेंट। दिस इज द वेरी होली प्लेस वेयर द मैन इज गोइंग। यू कैन सी अ पर्सन रीचिंग टुवर्ड्स द ऑल्टर। दिस इज द मेन प्लेस where a raised platform, you can say, where all the ritualistic offerings to God is made. This is the main place Lord Jesus and the whole mass, when it is conducted by the priest or the bishop, he is going to conduct it over here only. And these are the benches, well settled. यहाँ पे आपको prayer करने के लिए books वगैरह सब कुछ है, यहाँ पे whole arrangement, and it's beautifully decorated. क्योंकि मैं एक और बहुत ही डिफरेंट दिन में आई हूँ। टुडे इज़ 28th, व्हेन आई रीच्ड द प्लेस इट वाज 28th, तो 28th दिसंबर आपको दिख रहा है, आपको सीलिंग दिखाई दे रहा होगा। इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। चर्च एक ऐसी जगह है जहाँ आपको मन की शांति मिलती है, यू गेट टोटल मेंटल पीस। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के भागदौड़ में हमें एक जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सुकून से अपने भगवान को उनकी पूजा कर सकते हैं। जैसे टेंपल बोलिए, मॉस्क बोलिए, आई थिंक यू ऑल ऑफ अस आर लुकिंग टुवर्ड्स द मेंटल पीस। और एक खास जगह है, व्हेन आई एंटर द चर्च आई फाउंड द फर्स्ट थिंग दैट आई एम रीचिंग गॉड, एज इफ आई वॉज इन फ्रंट ऑफ गॉड। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो व्हाट आई आस्क्ड on that day. मुझे खुद नहीं पता मैंने अपने लिए क्या मांगा, बिकॉज आई फाउंड गॉड इज़ देयर एंड आई एम इन फ्रंट ऑफ गॉड। यही है वो जगह जहाँ जिसको कहा जाता है ऑल्टर। मैं दो तीन कदम आगे बढ़ी थी बट आई डिड नॉट रीच। एंड दिस इज़ द होली ग्रेल, यू कैन सी द टू कप्स, होली ग्रेल है। दिस इज़ गोइंग टू डिपिक्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कस्टम। लॉर्ड जीसस when he was having his last supper, it was from this holy grail, and it is a very pious, very religious thing for the Christians. So this person, you can see he is cleaning. COVID ki wajah se har cheez ka jo hai khas dhyan rakha gaya hai, sanitization and whole of the protocols. Jaisa ki maine kaha ye holy grail hai, and these are the musical instruments. Yahan pe कॉयर, जब प्रीस्ट अपना सर्विस करते हैं, मींस द मास, स्पेशल मास और सर्विस वी कॉल इट, और अ प्रेयर यू कैन आल्सो से, तब जो गाना होता है या फिर कोई द म्यूजिशियंस आर प्लेइंग, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम है। देयर आर हेलो फ्रांसिस भाई, ये आप ही के बदौलत मैं आज चर्च के अंदर जा सकी हूँ। तो चर्च का क्या नियम है, नया नियम क्या है अभी कोविड की वजह से? कोविड के लिए नया नियम नहीं है, मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ ये सब नहीं होना चाहिए। अच्छा। और मास्क वास्क एनी टाइम रहना चाहिए, और जितना जल्दी हो उन्हें देख कर आदमी निकल जाए, यानी ठहरे नहीं, ज़्यादा बातचीत ना करे, भीड़ भाड़ ना करे, मतलब सभी को ये नियम पालन करना बहुत जरूरी है। थैंक यू भाई, आप ही के बदौलत आज हम चर्च के अंदर जा सके, प्रवेश कर सके। थैंक यू सो मच। This is the place where you can go and light candles. Candle light करने का अलग जगह है, हर जगह में आप नहीं जला सकते हैं। And मुझे लगता है कि जब अपना candle जला सकते हैं, अपना जो भी अपना prayer है आप सुकून से कर सकते हैं यहाँ पे। आप कभी आइएगा आसनसोल हटन रोड चर्च, सेक्रेट हार्ट चर्च। सो फ्रेंड्स, आवर जर्नी ऑफ दिस चर्च इज नॉट फिनिशिंग ओवर हियर। The church is really very big. The whole of the cathedral, the premises, you will find a lot of places depicting life of Jesus, crucifixion, and Lord Jesus ka jo statue hai, you will find being his dead body being carried away, and Virgin Mary ki jagah ye hai, Mary, Virgin Mary, yahan pe bhi aap candle jala sakte hain. Yahan ka jo atmosphere hai na, aapke
दो इट इज़ लोकेटेड एट द सेंट्रल पार्ट ऑफ आसनसोल, जहाँ पे इतनी शोर है बाहर, बट हियर यू विल फाइंड मेंटल पीस. हम लोग जब प्रेयर करते हैं इन प्रेयर्स, वी स्टार्ट द प्रेयर विद लॉर्ड ऑफ जी, वी से नेम ऑफ द फादर द सन द होली स्पिरिट एमन. मुझे अभी भी याद है स्कूल के दिनों में ये मैं जब मैं बता व्हेन आई यूज्ड टू से दीज वर्ड्स, तब मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था. बट नाउ व्हेन आई एम ग्रोन अप, नाउ व्हेन आई नो दैट लाइफ ऑफ जीसस किस तरह से है, ही हैज़ ऑलवेज सेड, लॉर्ड हैज़ ऑलवेज सेड हैव मर्सी हमारी तरफ, जो हमसे कुछ गलत भी करते हैं उन्हें भी माफ़ करने के लिए ही कहते हैं लॉर्ड जीसस. विद दिस आई वॉन्ट टू से वन थिंग कि आप आइए घूमिए, यहाँ एक डे स्पेंड कीजिए, क्योंकि ये सेंट्रली लोकेटेड जगह में है, सो यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम रीचिंग दिस प्लेस, इट्स सो ईजी टू रीच. सो आई होप फ्रेंड्स यू विल श्योरली फाइंड आउट वन डे टू कम हियर टू आसनसोल, ऑफ कोर्स विच इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू रीच, एंड द हटन रोड चर्च, सेक्रेट हार्ट चर्च, यहाँ पे आप आइए. ये है वर्जिन मेरी की जगह, यहाँ पे भी आप अपना कैंडल जला सकते हैं. अगर आपको चर्च का डोर नहीं खुला नहीं मिला तो यू कैन स्टिल ऑफर योर प्रेयर्स. देर इज़ नो रिलीजन बायसनेस ओवर हियर, ऑल रिलीजन्स आर मोस्ट वेलकम टू विजिट. हाय फ्रेंड्स, दिस इज सोनाली समा मुखर्जी. उम्मीद है मेरे साथ आप खूब घूम रहे होंगे चर्च. 25 दिसंबर को तो मैं पहुँच गई, ऑफकोर्स आई रीच हियर, बट ऑन 25 दिसंबर मैं आपको चर्च घुमा नहीं पाई. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा लेट है पर आ तो गई हूँ. आप मेरे बैक साइड को देख रहे होंगे, अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो है मदर मैरी की जगह. इट इज़ टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द चर्च. जब आप अंदर आते होंगे तो ये राइट हैंड साइड में पड़ेगा. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. मुझे आज याद आ रहा है अपने स्कूल के दिनों में व्हेन मैं रोज़ जाती थी चर्च प्रेयर करने के लिए. इन माई स्कूल देयर वॉज अ चर्च जहाँ मैं सुबह रोज़ जाके अपना प्रेयर्स करके फिर मैं अपने क्लास के लिए असेंबली के लिए जाती थी. बिफोर असेंबली मैं यूजुअली आई यूज टू गो फॉर अ प्रेयर. तो आज मुझे अपने स्कूल के दिनों की याद आ रही है. रिलेटेड ज़रूर है, बट मेरी क्रिसमस एंड आई एम वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू माई चैनल सोनाली सोमा मुखर्जी. मेरे साथ खूब सारा घूमिए, जैसा कि मैंने कहा पहले भी, उम्मीद है आगे भी आपको इसी तरह अलग अलग जगह में घुमाते रहें. Before saying goodbye to all of you, I would again say one thing. Please maintain COVID protocols. Bhuliye mat. Wish you a Merry Christmas and a very very Happy New Year in advance. Aur mere channel ko khub sara support dijiye. Jisne abhi tak subscribe nahi kiya hai, jaldi se jaake subscribe kar lijiye. Apna jo hai bell button jo hai wo daba dijiye taki aage ke main whatever videos I upload, you'll be getting the notifications. और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि मुझे खूब सारा सपोर्ट मिले टू कैरी ऑन माय वर्क इन अ बेटर वे. आई होप फ्रेंड्स यू विल बी एंजॉयिंग द, यू हैव एंजॉयड द जर्नी विथ मी. बाय बाय.